फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं। आज रमज़ान की स्पेशल रेसिपी आलू चिकन के कटलेट्स, वो भी न्यू तरीके से बना रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करी जाए, तो आए रेसिपी की तरफ आते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, दो उबाल लिए उसको, फिर मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज और एक हरी मिर्ची ली है, और अच्छा बड़ा पीस मैंने ना चिकन का उबाल के उसको श्रेड कर लिया। मैंने स्पाइसेस में चिकन टिक्का मसाला, चिकन पाउडर, नमक और ब्लैक पेपर, दैट्स इट्स। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं ऐड किया। खैर, यहाँ मैंने दो बड़े खाने के चम्मच मैदा लिया है, उसको पानी में घोला है अच्छी तरीके से, उसको बाइंडिंग के तौर पे। अगर आप यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सेवइयाँ ली हैं और उसको हल्का सा ना भून लिया है। अगर नहीं भूनना आप लोगों को तो आप लोग एज इट इज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारी शेप की बारी आई। मैंने इसको गोल ना बॉल्स की तरह बना लिया है और फिर मैंने इसको मैदे में डिप करा है बाइंडिंग के लिए। देन मैं इसको जो सेवइयाँ भुनी हुई हैं ना उसको मैं उसमें डिप करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ना इसको एक नया तरीका देने के लिए और एक नया स्टाइल देने के लिए मैंने यहाँ स्टिक ले ली है और उसमें ना इन दोनों को जो बॉल्स हैं उन दोनों को आगे पीछे करके लगा लिए हैं, और फिर दोबारा से मैंने इसको इसकी कोटिंग ना सेवइयों में कर दी ताकि ये और अच्छा सा क्रिस्पी रहे और ज़रा सा अच्छा लुक रहे। और उसके बाद मैंने इसको शैलो फ्राई किया क्योंकि हमारा आलू भी गला हुआ है, चिकन भी बॉयल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको डीप फ्राई की ज़रूरत हो। तो मैंने इसको जस्ट शैलो ही फ्राई किया है और विद इन अ 5 मिनट में ये हमारा डन भी हो गया था। तो एक बड़ी क्विक रेसिपी है अफ्तार में और बच्चों के लिए भी लंच में अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।